जगत दर्शन न्यूज। छपरा जिले के माझी प्रखंड में जगत दर्शन न्यूज तथा भोजपुरी रोजाना के सौजन्य से बीकेबी हाईटेक स्कूल ताजपुर में हिंदी दिवस के अवसर पर एक शानदार काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षक लाल बाबू सिंह ने तथा मंच संचालन भोजपुरी रोजाना के संपादक शिक्षक एवं कवि विजेंद्र कुमार तिवारी ने किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत जगत दर्शन न्यूज के प्रधान संपादक बीके भारतीय के उद्घोष से प्रारंभ हुई। कार्यक्रम में सबसे पहले जगत दर्शन न्यूज के प्रधान संपादक बीके भारतीय ने अध्यक्ष ललबाबू सिंह तथा अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों को अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम की खास एवं महत्वपूर्ण पक्ष यह आश्चर्य करने वाली थी कि काव्य गोष्ठी में शरीक होने आए लगभग 20 कवि सभी विद्यार्थी थे, जो अपने जीवन के प्रथम स्वरचित काव्य को प्रस्तुत किए। उनमें मुख्य रूप से ज्योति कुमारी, पूजा कुमारी, शिवानी कुमारी, राजीव कुमार, दिगंबर पांडे, समृद्धि कुमारी, प्रकाश कुमार, राहुल कुमार, अभय कुमार, पलक कुमारी, सोनाली कुमारी, खुशबू कुमारी, पूनम कुमारी, अनुष्का कुमारी, कुमारी अनामिका आनंद, कुमारी रश्मि आनंद, शिया कुमारी आदि ने अपने काव्य शैली एवं सार गर्भित रचनाओं से सबका मन मोह लिया। इस काव्य गोष्ठी में ज्योति कुमारी ने जब अपनी स्वरचित कविता मैं हिंदी हूँ का कविता पाठ किया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वहीं खुशबू कुमारी ने बेटी की गाथा से लड़की के मनोस्थिति को उजागर किया। कार्यक्रम के पश्चात सभी प्रतिभागियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन पर प्रमाण पत्र देकर भी सम्मानित किया गया। गोष्ठी के अंत में प्रोफेसर जनार्दन सिंह ने अपनी बात रखते हुए बताया कि हिंदी वो भाषा है जो अब पूरे विश्व में स्थान बना रही है। अब तो अमेरिका में भी हिंदी के ज्ञाता नौकरी पा रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रोफेसर जनार्दन सिंह, साहित्यकार अर्जुन यादव, शिक्षक मुकेश कुमार पंडित तथा स्वयं संचालक विजेंद्र बाबू ने भी अपनी कविताओं की प्रस्तुति से सबके अंदर उत्साह भर दिया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिक्षक वीर बहादुर यादव, शिक्षक धनंजय दुबे, पूर्व जिला पार्षद धर्मेंद्र कुमार सिंह समाज, समाजसेवी अजय सिंह आदि गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। माझी से राजीव सिंह की रिपोर्ट। हिंदी कर्म नहीं रखती है, ये बढ़िया भक्ति है। भारत दर्शन है हिंदी के मन मानस की भाषा है। हिंदी ही नई की ज्वाला है, ये भावना की साज है। विविधता की मान में ये एक का ज्ञान है। विविधता की मान में ये एक का ज्ञान है। हिंदी भारत की आत्मा है, स्वरों का इतिहास है। ये हिंद की शक्ति है और हिंदुत्व की आशा है। ये हिंद की शक्ति है और हिंदुत्व की आशा है। हिंदी की शान ये आत्मा है, प्राण है। हिंदी का स्वाभिमान ये इस पर सबको नाज है। वर्षों की वैसो गाथा है ये सब, भारत की नौ गाथा है। स्वर्ण नहीं ये शक्ति है, ये बलिदानों की भाषा है। है कीर्ति यही है, यश यही है, मान यही, सम्मान यही। अनदेखी ना करो हिंदी की, यह वीरों की भाषा है। मातृभूमि का देश यही और मानव की अभिलाषा है। स्वतंत्रता की अस्तित्व की रक्षा है हिंदी, राष्ट्र भावना है हिंदी। बचपन की भाषा हिंदी, भारत के रग रग में हिंदी। बहुत सरल सहज और सुगम सबकी समझ। है कर्म हमें हिंदी, पहचान हमारी हिंदी है। कैसे सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है। हिंदी भाषा में ही भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मन हिंदी की भक्ति है। हिंदी हिंदी की शान है, ये विश्व की पुकार। सबको जोड़े रखती हिंदी हम सबकी ये शान है। स्वर नहीं ये शक्ति है, ये हम सबकी पहचान है। सदियों की विरासत है, ये साधकों की साधना है। जिसने गुलामी की क्रांति में आग जलाई, ऐसे वीरों की अद्भुत भाषा हिंदी। हमारी गौरव गाथा हिंदी। स्वर नहीं ये शक्ति है, ये बलिदानों की भाषा। हम सब ने देखा कि जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और दुनिया का सुपर पावर कहने जाने वाला अमेरिका भी
परिवार के सामने फूटने से वापस उठा चुका है, जबकि भारत एक ऐसा अकेला एक ऐसा देश है जो आतंकवाद के सामने डटा हुआ है। आखिर ऐसा क्या है भारत में जो आज से पहले भी आतंक के सामने डटा हुआ था और आज भी डटा हुआ है? इसी को मैंने अपनी हिंदू पंक्तियों में लिखा है। दिल की बात दीवार पर आनी जाती है, दिल की बात दीवार पर आनी जाती है, सबको को कितना भी मोड़े बात समझी जाती है। होते अगर हम भी सुपर पावर चुप हो जाते, होते अगर हम भी सुपर पावर चुप हो जाते और हम तो बीच पर गुरु हैं, गुरु प्रधान नहीं किसी और ने भारत ने वाला है हमें सीखा है अपने लहू से और कुर्बानियों से, सिखलाया केवल तप और त्याग है, दिया सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। यदि कोई सच में शरण मांगे तो शरण दो तुम, युद्ध को टाल सको तो टालते रहो तुम, पर यदि कोई अधर्म पर आ जाए तो डरो नहीं, तुम भी सुदर्शन चक्र उठा लो। जय हिंद, जय हिंद।